हेलो भाई, अरुण पवार इंडिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता है भाई। अभी फुकेत में, फुकेत का भी पटोंग, मतलब फुकेत एक शहर है भाई, जैसे हमारे वो दिल्ली मुंबई है, ऐसे यहाँ बैंकॉक फुकेत इस तरीके से सिटी हो गई, और वहाँ जैसे मरीन ड्राइव है तो यहाँ पटोंग करके सिटी हो गई। तो यहाँ फुकेत किस लिए फेमस है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े आइलैंड है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पहाड़ वगैरह है, उसके बीच में आइलैंड है। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह देखी होगी जहाँ पे पूरा क्लियर पानी रहता है, एकदम ब्लू, आप नीचे तक देख सकते हो क्या है। तो उसी का हमने आते भाई, सबसे पहले आदमी वही काम करता है। यहाँ एक फीफी आइलैंड करके फेमस है और एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड करके फेमस है। उनके लिए दोनों को देखने के लिए आपको अलग अलग टूर चाहिए, अलग अलग दिन चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े ही हैं एक दिन में कवर करने के लिए। तो हमने कल भाई पैकेज ले लिया था करीबन 1200 रुपए का भाई, 1200 बात का लिया था एक जने का। उसमें डिनर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह। तो कैब आ गई है, सुबह 8 बजे उठना पड़ा है भाई उसके लिए, वो पिक करते हैं सब कुछ। चलो दिखाते हैं आपको कैसा है भाई और क्या सारी जरूरी डिटेल्स भाइयों का शेयर करते हैं। तो भाई हमने एक इम्पोर्टेंट बैग ले लिया, क्योंकि हमारे पैकेज में स्नॉर्किंग वगैरह सब कुछ है, जिसमें पानी के अंदर जाते हैं, और इतनी जल्दी उठ गए हैं, इतनी से स्लीप हुई नहीं है कम्प्लीट, तो थोड़ा लिटिल लिटिल अजीब सा। तो भाई ये बंदा आ गया है, ये वाला लेके जाएगा कुछ नहीं। अच्छा, और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे ब्रेकफास्ट में भाई, क्या क्या है, जूस फूस है, और ये हैं कॉर्नफ्लेक्स, चोको कॉफ़ी, ब्रेड व्रेड, इनके यहाँ फील्स ही नहीं आती यार खाने में। फ्रूट्स तो अच्छे दिख रहे हैं, पर और ये चिकन के कहने से वैसे वैसे यार इनका तो बिल्कुल ही मन नहीं होता। और वो भी खड़ा है जल्दी जल्दी, 8 बजे शार्प आ गया भाई। यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन है टाइमिंग वगैरह के मामले में, फ्रूट्स खा लेते हैं ज़रा ज़रा से, क्योंकि वहाँ पर बीच में कुछ मिले ना मिले। कूपन लेके आओ, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ना, इनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी चलो जल्दी चलो। गलती हमारी भी है भाई, बिल्कुल ही शार्प 8 बजे हम भी नीचे आए, 10 मिनट पहले आ जाते तो आराम से खा लेते, पर चलो कोई नहीं, 2-4 जूस वूस मार के अब यहाँ से निकल लिए। गाड़ी कौन सी है? कम्यूटर बड़ी वाली। अच्छा, वो टोयोटा की, वो जिसमें शाम लाद जाते हैं सारे सारे भाई। देखो भाई, अंग्रेज भाई सुबह सुबह से यहाँ पे अपना नशा पानी करने लग जाते हैं, मतलब आते ही लोग इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाई खुली बिकती है। देखो हर दूसरी दुकान उसी की है, कैनबीज आप देखो दिख रहे हैं, पत्ता सा होता है, मतलब गांजा फांजा पूरा सिस्टम उसी का है। देखो कितने टूर एंड ट्रैवलर्स हैं हमारे साथ, पहले भी जा रखे 2019 में, तो वो बढ़िया चीज रहती है। बार बार कह रही थी ना कि बिग बोर्ड कर लो, वहाँ कम लगेंगे, बिग बोर्ड में बड़ा रुला देते हैं, ऐसे एक बोर्ड के उस हिस्से में नीचे ले जाएंगे जहाँ कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं होगी। यानी अगर तुम्हें बाहर का भी समुंदर भी देखना ना, उसके लिए 400 एक्स्ट्रा पार्ट पे करो, तुम एक ऐसे लेवल पे आओगे जहाँ तुम्हें एक खिड़की मिलेगी जहाँ तुम वो कर पाओगे। स्कैम है, वो स्कैम है। फिर उसके बाद कहेंगे कि एक और खिड़की लेनी है अगर ऊपर की, तो वो तुम्हें उसके लिए 400 या 600 पता नहीं और पार्ट करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें मतलब ये शीशे के बिना वाली खिड़की मिलेगी भाई। बड़ी तगड़ी चीज है वो, बेकार है। तो हमने भाई इसलिए स्पीड बोर्ड वाला कर लिया है भाई। ये 40-50 मिनट लगा के पहुंची है, ये फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी है, मियो एक्स मस्त लगती है। बहुत धूप है यार, यहाँ तो बिना चश्मा पसमान के रहने जाएगा। वैसे सिग्मा में भी लेजेंडर के अलॉय भाई बहुत बेहतरीन लगते हैं, अगर देखा जाए कोई 4x2 लेके लेजेंडर के अलॉय लगवा लो, बेस्ट है। अब आगे की कार्रवाई देखो, 1 घंटा लग गया ना आइटम को आगे, पता है। ब्रेकफास्ट भी है भाई इसमें फ्री, इसमें इंक्लूडेड रहता पूरा। भाई क्लास लेने के बाद ये आ गई हमारी बोट, इसमें जाएंगे हम लोग स्पीड बोट, पीछे चलते हैं सबसे एंड में। सबसे पहले हमारे शिवम भाई जा रहे हैं, फोटो लेते हैं भाई ये सबका, तो बेचेंगे ना उसको। वाह, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। लो कहाँ रह गए फिर, अब लाइन से आ रहे भाई। देखो सबसे पहले अब हमारे हम दो भाई आ चुके हैं, चल दिए भाई। ये वाली बोट होती है वो वाली, जिसकी ये दरोबा बता रहे थे ना, इसमें बेसमेंट में पटक देते, सस्ती पड़ती है ये। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा ऊपर जाने के लिए पैसे 400 रुपए आपने कितने दिए थे? आपने कितने दिए थे? हम तो 600 में ऊपर चले गए थे और उसमें ऊपर का क्योंकि ये भाई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं इनके पास पैसा बहुत है ब्लैक मनी तो पर इन्होंने हमको इस बार बचा लिया वरना हम भी कहते हैं बिग बोट में चलेंगे स्पीड बोट में चाहिए भाई ये 3 इंजन लग रही इसमें हम आगे 50 cc ईच ये चलाते हैं कैसे उस बोट पे जाने के बाद रिग्रेट होता है कि ऐसी बोट होनी चाहिए थी है सच में भाई उसमें बिल्कुल बैठे रहो कोई फील ना कर पाओगे मजा भाई जैकेट वैकेट लाइफ जैकेट पहन ली हमने और वो इंटरनेशनल क्राउड हमारे साथ है भाई ये वाले इंजन भाई गाड़ी वाले यूज करते हैं ये लोग ये इंजन गियर हमारे यहाँ मायापुरी से जाते हैं 1,20,000 रुपए में हाँ। और ये अपने इंजन और गियर बॉक्स दोनों हाँ। जो 2-2 लाख चली 3-3 लाख चली होती है ना हाँ। टोयोटा की सिर्फ उनके जाते हैं टोयोटा के यूज होते हैं भाई लेकिन इसकी स्पीड बहुत तगड़ी है उससे भी बहुत गंदी होती है तभी तो एग्जॉस्ट में फेंक रहा है ना डीजल होता है ना डीजल इंजन कितने सीसी का है छोटा सा दिख रहा है वैसे तो 2000 cc वैसे ये गाड़ी गाड़ी पे ये बोर्ड बोर्ड पे डिपेंड करता है पर हमारे यहाँ से इनोवा फॉर्चुनर के जाते हैं यहीं आते हैं वो हाँ यहीं आते हैं यहाँ आते हैं दुबई आते हैं चलते हैं शिपों में लेकिन इसमें दो पे दो ही है ना बस इस वाली यामाहा में इस वाली बोर्ड में ये थोड़ी छोटी है इससे ये वाली बड़ी है हमारी हमारी वाली में 37 जने जा सकते हैं 37 उसमें थोड़े कम होंगे पहाड़ कैसे आ गए यार समुद्र के बीच में तो भाई ये ना एक टूर सा होता है पैकेज सा जिसमें कई सारे आइलैंड से कवर होते हैं तो सबसे पहले मतलब फीफी आइलैंड तो लास्ट का रहेगा 7-8 से कवर करवाएंगे ये लोग तो सबसे पहले फिर ये यहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी को यहाँ पे उतरेंगे और ये अलग अलग मतलब बोट में आते हैं सब लोग हम अकेले मतलब हमारी मतलब 37 है ना तो ऐसे अलग अलग पैकेज होते हैं बोट भाई देखो किसी कुर्सी से बांध रहा है इसको जिससे डोले ना और हम लोग ऐसे कंफर्टेबली मतलब उतर सकें लो भाई अब उतरते हैं थैंक यू ये भाई उतर के और यहाँ पे तो अलग ही ब्यूटी है भाई बहुत हरियाली है यहाँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है और भाई यहाँ पे अब चलते हैं उधर देख के आते हैं क्या सौदा है यहाँ सब लोग वहीं पे ही जा रहे हैं तो 40 मिनट रुके हैं क्या बस ओके दो इंजन इसमें पानी बहुत नीचे निकल गया वेरी गुड लुकिंग नज़ारे भाई कमाल की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पानी ठीक है इतने उसमें चल के आए हम लोग और यहाँ पे देखना यहाँ रेत आ गई है अच्छा हल्का पतला तो पानी इधर भी है भाई कितनी लंबी लाइन है यार पहले याद भाई माया बे माया बोलते हैं नोटी हो रहे हो माया और देवियां बहुत हैं भाई ये देखो बस इतना सा आइलैंड है ये यहाँ पे फिर से समुंदर आ गया और ये हमने यहाँ से ले ली भैया प्यास लग रही थी लिटिल लिटिल स्प्राइट कोक एंड ऑल डेट आप यहाँ से पे खरीद सकते हो पर वही बात है यहाँ पे महंगी मिलती है हर चीज़ क्योंकि भाई ये थोड़ा सा वैसा है मतलब महंगी वाली बातचीत है ना ये देखो नज़ारे भाई ये देखो कितना प्यारा आइलैंड है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू लुकिंग भाई यार यार भाई मैं एक बात कहूँ देखो वो गोवा हम जैसे इंडिया के हमने हर बीच नाप लिया मैंने चारों तरफ का चाहे वो बे मतलब वो उड़ीसा का हो जैसे हम वहाँ धाम गए थे ठीक है फिर चाहे कन्याकुमारी हो धनुषकोड़ी हो मतलब हर तरीके हर जगह का गुजरात का सब जगह का नाप लिया और जो यहाँ ब्यूटी साफ सफाई और जो पानी का रंग है ना भाई वो दुनिया में कहीं नहीं है मतलब होगा दुनिया में तो नहीं कह रहा मैं पर इंडिया में नहीं है इस चीज़ में तो भाई मज़ा आता है इसको देखने में फिर सफाई भी मेंटेन वगैरह है तो उसकी बात चीज़ है ना भाई क्या लग रहा है यार ये नज़ारा नेक्स्ट लेवल भाई यहाँ की मिट्टी भी अलग है हाँ वाइट सैंड है हाँ बहुत मजा आ गया भाई भैया नहाने में मजा आएगा चीज ही कहीं लेके ही आए हो भाई है ना नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है बहुत पिछले बार बार कह रहा था भाई यही तो है फुकेत से कि भाई वहाँ कहाँ हंड रहे थे खामा का ड्यूटी तो यहाँ पे है अरे ये इवन वो चप्पल लगते हैं
नहीं कोई नहीं लेके जा रहा, ये अपने वहाँ की तरह ना है। गायब मिनट से पहले गायब। ये तो मैं लीव कर गया। ठंडा पानी भाई, ये तो मैं फॉरगेट कर गया भाई। ओके, इतना स्वाद आ रहा है भाई। देखो भाई कैसे लोग फोटो खिंचवाते हैं, देखो लोट लोट के भाई, लोट लोट के भाई, क्योंकि लोग फन करने ही आते हैं इधर यार, अपनी बिजी लाइफ में से टेंशन भरी लाइफ में कुछ इंजॉय कर लें। ज़्यादा दूर मत जाना, और यहाँ वो भी होगा पानी में, वो कुछ बता रहे थे ना, निशान आ जाते हैं। कीटाणु सा वो खा जाता है जो। वाह भाई, उधर के और तो बड़ी ब्यूटी है भाई, उधर देखो पत्थर, देखो पेड़ पड़ रही है ना, इधर देखो और लोग उधर साइड भी। यहाँ पे वो कह रहे थे कि वो आ जाती है बेबी शार्क, तो उससे डरने वरने वाली कोई बात नहीं है। बेबी शार्क? हाँ शार्क होती है वो नहीं होती वाली, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें भाई बड़ी से भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलती है हमको। चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ पे बस 11:30 मतलब आधे घंटा देते हैं ये, तो हमारा 11:29 बोल दिया, तो उन्होंने वापसी आ जाना था। मजा आ गया ना, बहुत तगड़ी चीज है भाई, पता ही नहीं चला आधा घंटा कहाँ गया। 40 मिनट, इतना जबरदस्त मन लग रहा है भाई, बस पूछो मत ना, नेक्स्ट लेवल चीज है। इतनी धूप है कि कोई हद नहीं, इतनी टैनिंग हो रही है, पर भाई रुकने का दिल ही करे जा रहा है। देखो गर्मी गर्मी इतनी है, माहौल भी देखो, हर चीज मतलब परफेक्ट ही है ओवरऑल, हर चीज जिससे आप कह सकते हो। हम पताया भी गए थे, बैंकॉक भी गए थे, पर आप बताओ ऐसा करो वहां पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सारा इंटरनेशनल सब बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, एकदम अलग ही। इंडियन तो कोई है ही नहीं, बहुत ही कम मिल रहे हैं, बहुत कोई आता ही नहीं इधर इंडियन। इसी चीज में बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है भाई, कुछ भी बात करो कैसे ही करो, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। यार देखो अपना तो हर किसी अपना तो इंडियंस का तो नेचर होता है जज करना कि भाई ये क्या पहना हुआ है, ये वो फलाना ढिमका ना। हाँ हाँ, यही बात अगर हम वहाँ करें ना तो वो तो समझ जाए। और दुबई में तो ऐसा है कि आप भी गए दुबई, मैं भी गया, वहाँ तो टैक्सी ड्राइवर वगैरह हर कोई हिंदी आराम से जानता है, क्योंकि उनकी उर्दू और सेम होती है। और ये अपना अलग इंजॉय करते हैं, इनको कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं होता भाई ये। और ऊपर पानी में मछली एज इट इज दिख रही है, देखो ऐसे कितनी कितनी मछलियां हैं ये, ये नीम के पत्ते में समझ रहे हैं इनको। वो वाली बड़ी वाली, हाँ नाम क्या उसका, ये वो, पर ये इनको खा जाते होंगे पकड़ के, दिख जाती होगी तो। अब भाई बोट आ रही है हमारी, पार्क हो रखी थी जो, उसमें चलते हैं। सरीना 3 कहते हैं भाई, आते ही पानी भी आ गो भाई, पानी वानी भी भाई फ्री है यार, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, ग्रुप तो बहुत ही अच्छा हो गया, नहीं तो यहाँ मैं भी पैसा भी दे सके। प्यास लग रही देखो भाई, तो पसीने पसीने आएगा भाई। 1200 रुपये बात, इससे आप आइडिया लगाते रहे ना, मतलब 2500 रुपये के लगभग पूरा पैकेज है ये, सब कुछ है, उसमें खाना भी है, खाना भी इंक्लूडेड यार। कल हम 2000 बात तो उसमें दिया था रेस्टोरेंट में ना, 2000 उसमें खाना पीना सब कुछ है यार भाई। हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, एंड वी आर रेडी टू डू स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग जा रहा है, स्नॉर्कलिंग नेक्स्ट स्टॉप नॉट हियर। भाई बहुत सही है यार, मारो छलांग, मारो छलांग, अरे ना डूबो, अरे कूद जाओ सीधे। चलो ध्रुव भाई चलो, भैया हमारे शिवम भैया हाथ पकड़ लो। अरे ध्रुव भाई तुम्हारे तो जाना चाहिए, तुम हाथ की बात कर रहे हो। नहा धो लिए, बहुत मजा आ गया, अभी स्नॉर्कलिंग होगी, ये तो स्विमिंग का फास्ट पार्ट था जस्ट। और ये आप इस तरीके की नाप भी ले सकते हैं जिसमें मतलब प्राइवेट या फोटो वीडियो खिंचवाते हो ना ये, पर ये 300 बात की है अलग से, मतलब अगर आपको प्राइवेट प्राइवेसी हम सब लोग साथ नहीं जाना ना, देन यू कैन ऑल्सो टेक दिस 300 बात पर पर्सन, यानी मतलब करीबन हो गया आपका 700-800 रुपये एक जने का इन बोट्स में बैठने का। पर हमारा इंटरेस्ट नहीं था खामा खाई क्यों बैठे हमने इसमें ही, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया जरा, लिटिल लिटिल सा ना बैग रख दिया था हमने,
जैसे सब कुछ गीला हुआ पड़ा है चिप चिप सा। तो ये पूरा सिस्टम है, देखो ये बीच है भाई पूरा आपका पीपी आइलैंड करके ये बोलते हैं। और अब हमारा प्लान बन गया भाई यहाँ पे स्कूबा डाइविंग करने का, 4500 रुपये में हो रही है एक जने की। तो यहाँ पे दिए भाई 1500 भात दिए हैं एक जने के, मतलब 15 × 3 = 45 = 6000 भात दिए हैं। वो भाई बहुत महंगा हो गया, तो 6000 भात हो गया आपका 4509 भाई, बहुत ही महंगा हो गया यार ये तो। ये होते स्कूबा डाइविंग, तो पानी के नीचे जाते हैं ना, मछली वछली देखने आते हैं। और 1000 भात मतलब 2500 रुपये कैमरे के अलग, अगर कैमरा भी लेके जाना है तो सिलेंडर सा होता है तो वो उसका प्रोसीजर यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये भाई ये रे नंगे पुंगे कर दिए, ये लगते भी बहुत अच्छा। ओके इस तरह से ड्रेस पहननी पड़ेगी फिर हम करेंगे भाई, इतनी महंगी चीज़। मेरा तो मन नहीं था इन चीज़ों को करने का, मेरा तो मन नहीं रहता नहीं भाई लाइफ के साथ रिस्क में डालो ये पानी में, या कुछ हो जाए सिलेंडर विलेंडर में दिक्कत। अरे ये ज़बरदस्त मतलब कह ही रहे हैं, तो चलो भैया मैं अकेले ही फिर कहाँ डोलूँगा इनके साथ, ठीक है कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई। स्कूबा डाइविंग करने आए और देखो अरुण भाई तैयार हो रहे हैं, इसको ना निकल की तरह पहले ऊपर खींच लेना पूरा। हेलो वी आर 4 पीपल या टू द टू दिस Those two. Okay. हाँ जी क्या कह रहे हैं? Oh wow, so good. Because you can be late, no? Yeah. We have to be. You have to. भाई इसमें लिखेगा असली पेट हमारा। Okay, now please take a seat. पकड़ना है पकड़ना। You can busy? हाँ। You can busy? Busy? Busy. क्या कह रहे हो भाई? चलो। No. Okay, sit down. No. Yeah? Okay. So in the water before that, yeah. We asking for body. Not have asthma, no? Asthma. No. Not have, no? No. Body. Okay? Yeah. Heart feeling good, heart? Good heart, right, good heart. Operation? No. Okay? कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ये मतलब अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे क्या क्या करना है। इसमें समझ लो देखो। You have flight ticket. It means when you jump in, we not going down yet. Not. A E U ऐसे करके अंदर लेना है। Close your lip. Yeah. Okay. No water. But if you open them, water okay. Inside. You close back. No. Okay. That's in the middle. अच्छा. Water out. ओके okay. अगर पानी भीतर okay. चला जाए तो ये दबा देना पानी निकल जाएगा ऐसे है। ओके ओके गुड ओके तो भाई अब देखो कैसे सेटअप होगा। ये बेल सी है तो देखो खतरनाक चीज बहुत लोग मतलब रिस्की है, बट हमें इस भाई पे पूरा भरोसा है, ये भाई हमको लेके जाएगा। ये देखो वी ट्रस्ट ऑन यू, our lives on you, our lives, not inside taking na but outside taking video. Yo JD patthar bandhe patthar our guide today. भाई जो भी आपने वीडियोस देखी वो स्कूबा डाइविंग करके आए हम, और भाई बेहतरीन एक्सपीरियंस, मज़ा आ जाता है अंदर की साफ सफाई मछली देख के, नेक्स्ट लेवल। चलो अब कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा महंगा था, हल्का सा ओवर प्राइस कह सकते हैं, 4500 रुपये 10-15 मिनट करवाया उसने, पर चलो ठीक है। अब भाई इसमें लंच वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है, चावल
भाई चावल और ये पता नहीं क्या क्या है, चिकन पिकन देख ले समझ लेना भी, चिकन दिख रहा सलाद चाउमीन और फ्राइड चिकन तरबूज सही है। रोटी कहाँ है, रोटी तंदूरी रोटी पर अभी अभी तो दूध चाय फाइव है भाई, वेरी गुड यार, वेरी पानी अच्छे तो पानी और अच्छा उधर भी है और ओह गुड गुड जॉब। अच्छा रिपीट पे है, नो प्रॉब्लम। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक भाई, बस इतना ही था। एक तो इनने मंकी केव और ऐसी नकली जगह जैसे चलते चलते बता दे रहे हैं कि भाई ये वो है, बस वो था और भाई कुछ भी नहीं था, नथिंग एल्स। ये इंजन देखो कैसे पै 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 कर रहा है, अभी एक चल रहा है ना, ये वाली बोट है ना भाई, हाँ यही है सरीना मरीना 3। चलते हैं, टीम आ चुकी है अपनी। भाई ये देखो हमारा नाव वाला कैसा लेके ही नहीं आ रहा यहाँ पे, कह रहा भाई ये चलो वो वाली खड़ी है, ये मजे ले रहा है ये तो। ये तो देखिए दैपोला ही कर दिया अंदर ही अल्टी में भाई, देखना काम कितना दूर जाना पड़ रहा है यार, मनते मजा ले रहा मनते। ए भाई ये मतलब सारी हमारी नाम के बन जाएंगे देखना भाई। अच्छा ये तो हवाबाजी नहीं कर रहे, बोट ही फंस गई, का धक्का दे के निकाल कर दे आगे, इतनी भारी बोट के फंस गई। अच्छा ये तो ऐसे निकल रही है, देर में घूमे जा रहे खावा का, देखो भाई ऐसे तो चढ़ाते हैं यार, हद की बात है निकाले से। माय गॉड देखो इतना ऑन डाउन डूब गए यार। जिस दिन तू मेरी होवेगी वक्त भाई, एक और ये आइलैंड बच गया था बीच में, ये भी मस्त है, एक बार जेट स्की का और पूछते हैं ये क्या रेट है। अलोन 1200 बात का एक बंदे का, 1500 का दो बंदे का भाई, ठीक है भाई। यहाँ के बैठ गए, आते ही बैठते ही कहने लगी 100 baht each person, तो फिर हमने 4 का लिया तो भाई 300 बात देने पड़े, यानी कि बैठने के करीबन से लिया वो घूम रहा है और हम बैठे हैं 700-800 rupees। जिसने ली थी वो खुद ही तो यहाँ पे इधर उधर हांड रहा है भाई, इधर उधर वीडियो कॉल करते हुए और हम तो कह रहे थे अरे घूमेंगे, और भाई मुश्किल से 5 मिनट ही बैठे थे, चलो वहाँ देख के आते हैं, घूम के आते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं बोट वाले की, इतने 1 घंटे तक घूम लो, मतलब वेस्ट पैसा तो कितने ही बर्बाद करवा लो भाई। ऐसे हम लोग 1,60,000 rupees कन्वर्ट करवा के लेके आए थे घर से, चारों जने मतलब 40,000 rupees each। कितना बचा है भाई उसमें से, बचे होंगे 7,000-8,000 baht बचे होंगे, और बाकी जो टिकट वगैरह खर्चा किया होटल और भाई बाकी जो हमने मतलब 51-52,000 rupees की जो टिकट करवाई थी वो क्रेडिट कार्ड से करी थी, दो बार होटल करे वो क्रेडिट कार्ड से करे, 5,000-5,000 baht मतलब इतने समथिंग, तो आप सोचो कि कितना खर्चा आता है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है ना जगमग लाइफ और ये हम ऐसे ब्यूटीफुल हरियाली के बीच में बैठे हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एक्चुअली में। अब घूमते फिरते हैं भाई, थाईलैंड फर्स्ट एंड लास्ट सा ही होगा ये, इसलिए भाई हम सोचा फुल एंजॉय करते ही चलो कर लो एक्सपीरियंस जो है। एक्चुअली एक दिक्कत ये भी है यार, यहाँ की करेंसी में ना जैसे ये सस्ती है इंडिया से, जैसे 100 rupees जैसे 100 सुनते हैं 100 baht 200 baht, तो एक बार फीलिंग आती है वो रुपये वाली 100, फिर एकदम फिर दिमाग चलता है 250, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क होगा झट ले लेते हैं कर लेते हैं, बाद में रियलाइजेशन होता है भैया सब खत्म, घर पहुंच जाएंगे इतने बड़े हैं तो टिकट तो वो कोई रखी है नहीं नहीं मतलब खर्चा चल जाएगा एक दो दिन का और नहीं है, एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, तो देख लो भाई अभी तो और ज़्यादा लगेगा, मतलब ये सोचो आप कि खर्चा तो देखो बहुत होता ही है और पैसा जाएगा भाई। तो हमने आज स्कूबा डाइविंग में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, उसमें कितने बात दिए भाई इन टोटल, 6,000 baht क्या बात कर रहे हो, उस दिन क्लब में कितने दिए, क्लब में तो मार गए थे 7,000-8,000 baht यार साहब, वो कम से कम वसूल से तो हुए थे यार, ये तो न्यू एक्सपीरियंस ब्रदर यार, 10 मिनट का एक्सपीरियंस, 10 सुसरे ने 10 मिनट करवाई बस स्कूबा डाइविंग, और वहीं वहीं जाए नहा रहे हैं इतने इतने से एरिया में, 100 meter के दायरे में करवाई, वही रिपीट घुमाया जा रहा हूँ मछली सीन ने, पर हाँ कल कल को कोई पूछेगा तो बता देंगे भी स्कूबा डाइविंग कर रखी है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं पानी के अंदर और ऐसे ऐसे पानी अंदर चला जाए तो स्वेलो करना है ऐसे करना है, तो ये तो एक्सपीरियंस हमको अब लिटिल लिटिल सा हो गया,
बट यार ज्यादा हो गया 6000 बात है ना, कल को जाएंगे अपन वापस इंडिया, फिर भी आज वॉकिंग स्ट्रीट पर चलते, क्लब फिल्म थोड़ा देख लेते, इतना खर्चा आता, इतना खर्चा नहीं आता मेरे भाई, इससे ऊपर भी आ जाता, पर वो थोड़ा बर्थ ज्यादा लगता है यार, यहाँ कुछ था यहाँ 10 मिनट में गोल दीख भी ना रहे काई है। और भाई कैमरा, इस कैमरा कैमरा की फोटो खींचने के बाद 2000 बात, वो तो अलग जोड़े ही नहीं हमने, 8000 बात हैं वो अलग है, 2000 बात अलग थी, 8000 दे क्या हो, तो तुमने चारे कर दिया गुरु, तुमने चारे कर दिया यार, मजा आया ना। अरे हमारे कैशियर ये हैं भाई, मैंने तो 10 रुपये भी इनके अभी तक नोट भी ना देखे, कैसे हैं कैसे ना, ये ओनली वन एंड ओनली कैशियर, तुम्हारा बैग कहाँ भाई, वो नेट वाला लेके घूम रहा है भाई, इनके जेब उनके कैश पड़ा रहता है, अपना खर्च करते रहते हैं, सब ने इनको दे रखे हैं पूरे पूरे नोट, और बस यहाँ पे इस चीज़ का पैसा वसूल है, और कुछ भी मतलब बहुत एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मतलब गोवा फोवा सब बढ़िया, तो यहाँ पे आओ भाई, वो बढ़िया है, वहाँ तो कुछ नहीं है, तो बकवास है, 50 रुपये खर्च हो जाता है आराम से, अच्छा यहाँ पे आ जाओ उतने में थोड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिला के, बट वर्थ है जी। भाई 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 देखो कितने गुड फ्रूट्स मिलते हैं यार, ये तो पाइन एप्पल भी देते हैं भाई, अरे सेवा तो बहुत अच्छी, अब निकल लिए भाई इसमें 20-25 से फ्री हो गए, बट दिस इज गुड पाइन एप्पल ऑन द वे बीच या ब्रो द बॉर्डर। तो भाई अब जहाँ से आए वहाँ से चल दिए, बट ये जैम था भाई, वैल्यू फॉर मनी जिससे कहते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था, 1200 बात क्या होता है भाई, 3000 पूरे नहीं होते, 2500 खाना पीना, इतना तगड़ा घुमाना, ब्रेकफास्ट लंच, इतने आइलैंड, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, 1200 मानो अब 3000 रुपये एक पर्सन का, बेस्ट एक्सपीरियंस एवर भाई। अपने एंडेवर को थाईलैंड ले आए, और यहाँ पे इसमें करवा दिया बहुत सारी मॉडिफिकेशन भाई, एक तो नंबर प्लेट बदलवा दी है, और यहाँ पे जो बॉडी किट थी ना उसकी बहुत लोग कहते थे बल्की नहीं लग रही, तो भाई हमने फिर एक बार में फांसी काट दी, नई वाली हेडलाइट लगवा दी है, नई वाले यहाँ पे बम्पर, और ये DRL VRL सब सौदा नया है, और न्यू अलॉयज सब कुछ नया, देखो पुरानी वाली है बोनट भी इसमें नया वाला डलता है, हमारे वाली में थोड़ा सा डिफरेंट था, वो पिचक जाता था बहुत जल्दी, इस बार फांसी काट दी और सामने वाला शीशा जेड ब्लैक करवा दिया पूरा। अब आ रही है भाई मेन लुक, बताओ कैसी लग रही है, ये पुरानी शेप है या आप ORVM से पहचान सकते हो, बट क्या लग रही है भाई, कैसी लग रही है भाई, भाई दुनिया देख रही है इसको दुनिया। तो भाई इस टैक्सी में आए थे हम लोग, उतर चुके हैं भाई, मजा आ गया कती मजा, एक नंबर जिससे कहते हैं भाई साहब, स्वादिष्ट ना, ये था सबसे वैल्यू फॉर मनी जिससे कहते हैं भाई, सबसे बेस्ट सब आगे होटल। अब क्या प्लान रात का, अब तो भाई बस शावर वावर लेंगे और यहाँ घूमेंगे, बताऊंगा पूरा, अब एक्सप्लोर करेंगे, कल नहीं किया था ना, अब तो फुल जोश, कल तो भाई नींद में थे, अब तो कोई टेंशन ना भाई, एकदम फुल मूड, रिफ्रेश फ्रेश, एकदम मजा आया है एकदम, जिंदगी में कोई दिक्कत वाली बात ही ना कैसे भी। ओके तो भाई अब बच गए हैं रात के 10:30 और हम दोनों भाई रेडी शेडी होके चलती है कहाँ पे भाई जी, हम जा रहे हैं क्लबिंग करने, भाई गंदी हरकत क्यों करवाने जा रहे हो यार, अरे भाई ये वो वाले क्लब नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनल क्लब है, मतलब वर्ल्ड का 13वें नंबर पे आता है क्लब जो जिस जगह हम जा रहे हैं। अच्छा दूसरा भाई आ रहा है, चौथा तो आया नहीं भाई, चौथा थोड़ा हमारे भाई आलसी लिटरेटर कह रहे भाई मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मैं आज बहुत ज़्यादा आईलैंड में मैंने मस्ती कर ली, मैं कहा चलो आप स्लीप करो, और यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट भी बहुत फेमस है, तो भाई ये दोनों ये तो कल देख आए थे, मैं नहीं गया था कल, मेरे को नींद आ रही थी, मैं थक गया था, तो अब हम सारे ही जा रहे हैं, और वो बोले अगर अच्छा माहौल हो उधर तो मेरे को बुला लेना, मैं भी आ जाऊंगा, तो लेट्स सी क्या रहता है भाई, आज तो मज़ा ही आ रहा है पूरे दिन में ना, बहुत एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो रहा है हर चीज़ का, तो होप सो ये भी अच्छा ही हो, और कितना नंबर वन क्लब में लेके जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर वन क्लब में लेके जा रहे हैं, कोई इल्यूजन फिल्यूजन वो भी देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, फार्मेसी आ गई भाई। यहाँ पे दवाई वगैरह भी बहुत महंगी है, हमने लिया पुदीना रहा क्योंकि अभी वो मैगडी वगैरह मंगवा लिया था हमने, घना ज़्यादा इतना ठूस लिया, अब भाई गैस ही बन रही है पेट में, सही है मिल रही है, हाँ यार पर महंगी 50 बात की है, लगभग 125-150 रुपए की, वहाँ 40-1 रुपए पत्ता तो दिख है, पूरा सस्ती है, एक्सपोर्ट होती है वहाँ से, देखो डाबर इंडिया से आती है, इंडिया गुड कंट्री, गुड कंपनी, वंडरफुल कंट्री, वाह भाई बीच पे भाई देखो रात के 10:30 बजे, वेरी नाइस, तो डांस चल रहा उधर, उधर भी डांस चल रहा है, ये है भाई और कितनी भीड़, यहाँ पे तो भाई ध्रुव भाई उस पर तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी,
उसमें फटाया फटाया के पे तो बहुत भीड़ है, भीड़ उनके एशियन क्राउड की ज्यादा थी, जो मतलब इंडियन की ज्यादा थी, थाई इंडियन बोलो। यहाँ पे थाई की भीड़ आपको कम मिलेगी, मतलब थाई क्राउड कम होगा, इंडियन भी कम होगा। इंडियन और यहाँ पे जो जनरल शो इंटरनेशनल क्राउड जो जनरल होता ना वो पूरा होगा भर के। ओके चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे कैसे बुलाते रहते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई अब हम बीच में बैठे थे तो टॉयलेट आ गई, यहाँ पे देखो 2 बज गए हैं। नो मनी नो टॉयलेट, नो मनी नो हनी। पैसे पड़े तुम्हारे पास ना? लाए तो थे आप? मैं देता हूँ। वो बन रहा था मैंने देखी ना आज तक सगन। भाई अब टॉयलेट करने का भी 10 बात है, यानी 25 रुपए 2 जनों के, 50 रुपए। चलो भाई आगे अपने रिजॉर्ट वापसी, अब सोते हैं। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट भाइयों।